हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जे स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष। एंड चलिए आज अपनी हम क्लास शुरू करते हैं। पार्ट नंबर कौन सा है? ये 14 है। ठीक है, कौन सा नंबर है? ये 14 है मॉक टेस्ट का। अपने 13 मॉक टेस्ट जो है पूरे कंप्लीटेड है ना, उसके 13 पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको टेस्ट सीरीज के बारे में पता ही है, ठीक है, बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है। मतलब बस एक छोटी सी है, ये फ्री टेस्ट भी है इसी के साथ भी, और इसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। ठीक है, वाई ग्रुप के लिए जो 2023 का आपका बैच आने वाला है, सेम ऐसे ही नेवी एमआर का है, सॉरी 2023 का बैच है, मैं 22 बोल रहा हूँ। ठीक है, 95 ये भी 2023 का बैच है। ठीक है, मॉक टेस्ट का 15 टेस्ट है इसमें, और ये भी वीडियो सॉल्यूशन के साथ है। चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश की। अगर आपके पास जो यूगोस्लाव नेम्स है विद अ पॉजिटिव, इसका क्या बोलना है? जो लाइन लगा हुआ है, नियरेस्ट मीनिंग ढूंढना है, इसका मतलब सिनोनिम ढूंढना है। ठीक है, इसका मतलब क्या ढूंढना है? सिनोनिम यानी सेम मीनिंग ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सेम मीनिंग ढूंढना है। तो क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव वॉवल्स यू माइट स्प्रिंकल इन अ फ्यू। देखिए, पॉजिटिव का हमको मतलब पता होगा तो हम जरूर बताएंगे। सबसे पहली बात, पॉजिटिव का जो मतलब होता है, मैं अभी आपको लिख के भी बताऊंगा, इसका मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन है या फिर कोई भी चीज है वो बहुत कम है, इनसफिशियंट है, इनफ नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? इनसफिशियंट नहीं। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे आपके? इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे आपके? इसके आ गया, एक मिनट रुके, ये कुछ पेन कभी कभी गायब हो जाता है ना। पॉजिटिव का सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी हो जाएगा। ठीक है, इनसफिशियंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? डर्थ। ठीक है, इन सब का मतलब हो गया कि जो इंफॉर्मेशन है ना, जो इंफॉर्मेशन है इज नॉट इनफ। किसी की चीज के भी बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कम, मतलब है नहीं, इतनी नहीं है कि हम किसी चीज का पता लगा सके। अबंडेंस का मतलब क्या होता है? जो भी चीज है वो हमारे पास बहुत सारी चीजों में पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगर एंटोनिम पूछता तो हम ये लगाते, सिनोनिम पूछा है तो डर्थ लगाएंगे। ठीक है, यू हैव बॉट द टिकट्स फॉर द प्ले, यू हैव पॉजिटिव है। आगे क्या आएगा? सबको पता है, कोई बताने वाली नई बात तो है नहीं। नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव में भी क्या आएगा ये पता है क्या आप लोगों को? नेगेटिव में क्या आएगा? नेगेटिव में हैवंट यू आएगा। ठीक है, क्या आएगा? हैवंट यू। ऑफ कोर्स हैवंट यू आएगा, क्योंकि आप हो, और यू के साथ हमेशा हैव आता है, हेल्पिंग वर्ब, डूइंग वर्ब प्लस यू, यही आएगा और कुछ आएगा नहीं। एरर है, इम्प्रूवमेंट है। इफ इट नेवर डॉन टू हिम इफ यू कुड बी इन डेंजर, डॉन टू हिम। डॉन टू हिम का मतलब क्या हो सकता है? ठीक है, डॉन टू हिम का मतलब क्या हो सकता है? सही, डॉन टू हिम का मतलब होता है, डॉन टू हिम नहीं आएगा, डॉन्ट ऑन हिम आएगा, मतलब कभी उसके दिमाग में, उसके ख्याल में ही नहीं आया। ठीक है, तो डॉन ऑन हिम आएगा कि वो खतरे में भी हो सकता है, उसके दिमाग में, उसके ख्याल में ही नहीं आया कि वो खतरे में भी हो सकता है। वन वर्ड है, एक नंबर का आता है, आप सभी को पता है, द कंसीलमेंट ऑफ वंस आइडेंटिटी टू अवॉइड बीइंग आइडेंटिफाइड। ठीक है, जो जहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा होता है, अपने आप को एक सीक्रेट तरीके से रख रहा होता है, उसका वन वर्ड को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इनकॉग्निटो। ठीक है, इनकॉग्निटो मतलब लोगों और लोगों से गायब हो जाना। I have quite dash few books on art and culture. I have quite a few. ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? आपको मैंने noun की क्लास में पढ़ाया ना, pronoun and noun, यहाँ पे क्या आएगा? A few आएगा। मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी आर्ट एंड कल्चर के ऊपर मेरे पास काफ़ी बुक्स हैं। ठीक है, few मतलब काफ़ी है, थोड़ी में ही है लेकिन है ना, अपने पास थोड़े से ही में ही है लेकिन। चलिए, अ वेराइटी ऑफ बेवरेजेस डैश फ्लडेड द मार्केट। अ वेराइटी ऑफ बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब क्या होता है? ड्रिंक्स। ठीक है, जितने भी ड्रिंक्स होती है ना उनको हम बोलते हैं बेवरेजेस। ड्रिंक्स में सॉफ्ट ड्रिंक होती है, चाहे वो दूध हो, जूस हो, पेप्सी, सोडा, ये सब होता है ना उसमें। अ वेराइटी ऑफ बेवरेजेस है, प्लूरल है, ऑफकोर्स हैव आएगा, हैज तो आएगा नहीं, इसको काट देंगे, हैड नॉट पास्ट का फॉर्म है, ये तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, वुड तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे? हैव आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? हैव आएगा। चलिए, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू योर फैमिली, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू योर फैमिली।
इसमें एरर बताना। देखिए कहीं पे नो एरर का ऑप्शन है नहीं, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि इसमें कहीं ना कहीं एरर है। तो क्या एरर है? ये यो सेपरेशन इसमें एरर है। ठीक है, योर सेपरेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सेपरेशन, सेपरेशन की स्पेलिंग सेपरेशन फ्रॉम यू। ठीक है, तुमसे अलग होना, ठीक है, तुमसे अलग होना, तुमसे हट जाना, तुमसे गलत हो जाना। ठीक है, गलत हो जाना इन द सेंस छोड़ देना। सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू योर फैमिली। चलिए, द पोस्टर आई हैंग्ड इन माई गेस्ट रूम वॉज स्टोलन बाई द थीफ। जो पोस्टर मैंने अपने गेस्ट रूम में लटकाया था, हैंग करा था, वो थीफ वॉज स्टोलन बाई थीफ, थीफ ने चुरा लिया। ठीक है, थीफ के द्वारा चोरी किया गया। तो हैंग आएगा क्या? हैंग की कभी फॉर्म होती है हैंग्ड, ये सब ये फॉर्म होती है, मैंने आपको पढ़ाया, कभी नहीं पढ़ा, ऑफकोर्स यहीं पे एरर है। क्या आएगा? हंग आएगा। ठीक है, हैंग की क्या फॉर्म होती है? हैंग होता है, हंग होता है, हंग होता है, हैंगिंग होगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? टू हैंग हो जाएगा। चलिए, पी क्यू आर एस वाला ऑप्शन है, काट देते हैं, हमको जरूरत नहीं है इसमें, हमें दो है, ए डी ए डी, यानी दो हमारे पास है। तो हम किससे शुरुआत करते हैं? एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, हम किससे शुरुआत करते हैं ना इसकी, एक मिनट रुकिए, मैं आपका देख लूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना सही से। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हम एक काम करते हैं, हम इसकी शुरुआत करते हैं ए से। ठीक है, ए से करें क्या? अगर ए से करते हैं तो अ मैन ऑफ दैट कैरेक्टर इज फ्री फ्रॉम फियर, नहीं लग नहीं रहा है, तो ए के तो ऑप्शन चले गए, डी से करते हैं। चलिए, रिलीजन इज नॉट अ मैटर ऑफ मेयर डॉगमेटिक कन्फर्मिटी। ओके, लग रहा है कि यहाँ से शुरुआत हो सकता है, तो ई से शुरुआत करें। इट इज रिमार्किंग ऑफ योर ओन सेल्फ। ठीक है, एक बार बी भी पढ़ लेते हैं। एंड इट इज नाइदर अ क्वेश्चन। चलिए, इसका आंसर है, बताऊँ क्या है? फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन है, डी बी ई सी। देखिए, पहले डी है, फिर यहाँ से कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे एंड आएगा। एंड आएगा कहाँ पे? आया बी में आया। ठीक है, बी के बाद ई बताया गया है, ई के बारे में जो बात करी गई है वो सी में पूरा करा गया है, और सी के बारे में जो बात अधूरी छोड़ी है वो ए में पूरा करा गया। ठीक है, चलिए, एरर है, ऑल माइंड ऑफिस, लो यहीं पे प्रोनाउन का आपका एरर हो गया है ना। ऑल माई ऑफिस कलीग्स वर वेरी सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग ड्यूरिंग माई ऑफिस टेन्योर। ठीक है, ऑफकोर्स बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा है ना, प्रोनाउन तो आपने मुझसे ढंग से पढ़ा है, और पढ़ा है तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि आप आराम से लगा देंगे। माइन आएगा, नहीं माया आएगा। चलिए, ब्रीड समवन ड्राई, एक नंबर का आएगा। इसका मतलब क्या है? ब्लीड समवन ड्राई का मतलब, ब्लीड समवन ड्राई का मतलब होता है, क्या होता है, चलिए आप बताइए। इसका मतलब होता है टू टेक ऑल ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम समवन, यानी उससे सारा उसका हक ले लेना, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ निचोड़ लेना, जैसे पहले के राजा मुगल एम्पायर में, या फिर ये ब्रिटिश एम्पायर में राजा महाराजा हम भारतीयों के साथ करते थे। ठीक है, चर्चिल को सब जानते होंगे, क्या करा था उसने, मालूम है आप सभी को ना। हमारे यहाँ से सारा गेहूँ अपने उधर ट्रांसफर करवा देता ताकि यहाँ पे भुखमरी आ जाए। उसे भी हम कह सकते हैं वही चीज़। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट ढूंढना है, इंटरनल ढूंढना है, टेसिट। अगर मतलब पता होगा तो हम जरूर बताएं। ठीक है, अगर मतलब पता होगा तो हम जरूर बताएंगे। टेसिट का मतलब होता है, टेसिट का मतलब पता है क्या होता है? टेसिट का मतलब होता है कि बिना लिख के ही समझ जाना। ठीक है, टेसिट का मतलब होता है विदाउट रिटन, विदाउट रिटन, रिटर्न नहीं है ये, रिटन है, बिना लिखे हुए। तो इसका क्या हो जाएगा? रिटन हो जाएगा, एंटोनिम। ठीक है, ये इसका सिनोनिम है, ऑरल है ना, यानी मौखिक में, लिखित में नहीं, मौखिक में। चलिए, मिसस्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। आई थिंक इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वही है। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान सा भी लग रहा है वो देखने में ही अपना, कि क्या बोलते हैं, एनुमेरेट जो है गलत है ना। एनुमेरेट में डबल एम नहीं आता, सिंगल एम आता है, और इसका मतलब क्या होता है? गिनती करना। ठीक है, सिंगल एम आता है, गिनती करना। मैं यहाँ पे ढंग से लिखवा देता हूँ, एनुमेरेट, गिनती करना। ठीक है, डिसलाइक, किसी को नापसंद करना। सिंसियर, किसी को मानना, एडोर करना, किसी की क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट करना। चलिए आगे चलते हैं।
ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है? शी इज टू कुक द फूड, शी इज टू कुक द फूड, ऐसे फॉर्म करना है। शी इज टू कुक द फूड क्या होगा इसका? शी इज टू कुक द फूड, देखिए मैंने आपको पढ़ाया बी प्लस बी थ्री आएगा तो, मगर कहाँ पे आएगा ये पता है आपको? नहीं पता। तो क्या आएगा यहाँ पे? द फूड इज टू बी कुक्ड बाय, फूड इज टू बी, सॉरी द फूड इज टू बी कुक्ड बाय हर। ओके चलिए, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, उसको हम कभी भी ठीक नहीं कर सकते, तो क्या होता है उसका मतलब? क्या होता है उसका मतलब बताइए? उसका मतलब होता है इनकरेजिबल। ठीक है, क्या होता है? इनकरेजिबल। बाकी वर्ड्स का मतलब भी आपको जानना पड़ेगा, आपकी वोकैब के लिए सही रहेगा। ठीक है, इनटेलिजिबल का मतलब होता है कि हम उसे नहीं समझे, जो समझ में ना आ सके। ठीक है, दुर्बोध, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, अनरिलायबल, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो टू है उसका मतलब होता है जिसको हम निकाल ना सके, जो कि धोया ही, मतलब जो दाग ऐसा हो जाए लग जाए कि वो हटाया ना जा सके कपड़ों से। ठीक है, इलिजिबल का मतलब क्या होता है? कुछ डिफिकल्ट या फिर इम्पॉसिबल टू रीड। ठीक है, अब आप लोगों को ना ये इन दोनों में कन्फ्यूजन आएगी, मैंने बोला इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इम्पॉसिबल टू रीड, ये दोनों अलग अलग है, इसमें हम समझ नहीं सकते। ठीक है, इसमें क्या है? इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, हम किसी को समझा ही नहीं सकते, और इसमें क्या है कि किसी को इम्पॉसिबल टू रीड, उसको पढ़ना ही में ही नहीं आया, लेकिन मैं अगर उसको समझाऊं कि ये लिखा हुआ है तो वो समझ जाए। ठीक है, इनरिलायबल, इनरिलायबल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था अभी अभी? हाँ, जो धुल ना सके, है ना, जो धुल ना सके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू, पॉसिबल टू वॉस्ट आउट, जो दाग हट ना सके। नहीं ठीक है, ज़्यादातर कपड़ों पे होता है, कपड़ों से रिलेटेड होता है, मेरे कहने का मतलब ये। चलिए, सुहानी शुड नॉट माइंड हर सुहानी शुड नॉट माइंड हर कम लेट की कमिंग लेट होगा, कमिंग लेट होगा, ऑफकोर्स ही बात है ना, सिंपल है ये, इसमें कोई इतना बड़ा एरर था नहीं कि आप लोग ना पता कर पाओ, सिंपल था। ठीक है चलिए, ओके क्या करना अभी? क्वेश्चन नंबर, द गेट कीपर सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल सिंस मंडे। ठीक है, उसने कहा कि मैं मंडे से ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, तबीयत खराब हो गई होगी बेचारे की, तो इसमें सबसे आसानी से ऑप्शन क्या होगा? सेड तो सेड आएगा। ठीक है, सेड तो सेड आएगा, क्योंकि सेड टू नहीं है तो टोल्ड कट जाएगा। चलिए, तीन सेड हो गए हमारे पास, ये तो हमारा खतरनाक सिस्टम हो गया। सेड दैट ही वॉज, ठीक है ये आ सकता है, ही इज नहीं आएगा, ही हैज बिन तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो एकदम ईजी था, हम तो फालतू में से खतरनाक मान देते। चलिए दो ऑप्शन काट देते हैं फटाफट, अरे सभी ए से शुरू होगा तो इसमें काटना ही नहीं है, काटने का कोई मतलब ही नहीं है, सभी ए से शुरू हो रहा है, अब तो बनाना पड़ेगा। यानी क्रिस्टीना वॉज एक्साइटेड टू गो हर टू गो टू हर आंट हु लिव्ड इन पेरिस। ठीक है, या हमारी तो चाची चाचा मौसी मौसा जो भी है यही गाँव में रहते हैं, है ना, हमारा कोई पेरिस में नहीं रहता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शी बुक्ड। देखिए वो जाना चाहती थी, एक्साइटेड थी, ठीक है, उसके बाद वो क्या कराएगी? टिकट ही तो बुक कराएगी ना वहाँ जाने के लिए, पैदल पैदल चली जाएगी, तो टिकट बुक कराई, ऑप्शन नंबर टू आ गया, यानी ए और डी, बी भी कट गए। ठीक है, लेकिन उसने अपने घर में, उसने अपनी मौसी चाची जो भी हैं आंट, उनको बताया नहीं कि वो उनके घर जा रही है, क्यों? क्योंकि वो उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी, तो ए डी सी भी हो जाएगा। और जब वो पेरिस पहुंची तो ओहो, ये तो थोड़ा सा खतरनाक हो गया यहाँ पे अंत में आते आते, है ना, मुझे पता नहीं था। जब वो जैसे पेरिस पहुंची तो उसे पता चला कि जो उनकी आंट है उनकी डेथ हो गई। ठीक है, क्या हो गई? उनकी डेथ हो गई, फोर्थ नंबर। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग को पता नहीं था, हम वैसे भी मजाक में उड़ाते किस चीज़ का। ठीक है, जीरो इन ऑन समथिंग, जीरो इन ऑन समथिंग, इस idiom का मतलब आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसका मतलब होता है टू फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, एक ही चीज पे करना। ठीक है, डेड लॉक, इसका एंटोनिम बताना है, मतलब पता होगा तो जरूर बताएंगे। डेड लॉक का देखिए क्या मतलब होता है ना, एक सिचुएशन जहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, एक सिचुएशन जहाँ पे हम, हमारे लिए रास्ता खत्म हो गया, डेड एंड मान लीजिए। ठीक है, तो ऐसे एडवांटेज होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एडवांटेज। ओके, स्टेलमेट होता है जहाँ पे दोनों तरफ से ही एक दूसरे को
गोली लग जाए भाई, चांस मार लो, गिर जाए, ठीक है। चलिए, बाकी कोई डाउट हो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछेगा, अदरवाइज व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। और जीके की क्लास जरूर लीजिएगा ना, नेवी एमआर के लिए जो भी आप ले रहे, और बाकी जीके की क्लास अदरवाइज आपकी इंग्लिश की, एयरफोर्स की, और इंग्लिश जीके एयरफोर्स की तो चलेगी, तो वो सारी भी क्लासेस लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, बाकी हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय।